एमएसपी फॉर ऑल रबी क्रॉप, मतलब कि रबी सीजन की जो क्रॉप है उनके मार्केटिंग के लिए केंद्र सरकार ने मूल निर्धारण किया, मतलब कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम मूल दर है, उसको निर्धारण किया है और किस क्रॉप का कितना किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गेहूं 2023 में, गेहूं 2022 और 23 में जो सीजन चल रहा है उसके लिए 2015 रुपए, मतलब गेहूं जो था 2022-23 में पर कुंटल 2015, जिसकी निर्धारण कितना किया गया है 23 और 24 के लिए 2125 रुपए, 110 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि 22-23 की अपेक्षा 23-24 में 2125 रुपए, मतलब कि 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें लागत है 1665 रुपए। एक कुंटल की लागत, जो अगर एक कुंटल अगर गेहूं तैयार करेंगे उसकी लागत है 1065 रुपए। बारले जौ की 2023-22-23 कितना था, ये मत सोचिए कि 23 अभी आया नहीं है, जब कोई ईयर को कंप्रोमेंस किया जाता है तो क्या दोनों साल को मिला के किया जाता है, क्योंकि एक साल इस साल आप क्रॉप बोएंगे तो अगले साल जाके कटेगी, जैसे गेहूं इस टाइम बो दिया जाएगा तो 23 में कटेगा जाएगा, इसलिए वो दोनों को मिला के कि 22-23, तो 22-23 का क्या है 1635 रुपए में जौ था और 1735 रुपए, 23-24 कितना रहेगा 1724 रुपए, 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसमें लागत कितना है मतलब 1082 रुपए। मतलब कि अगर 6 महीने देखिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में गेहूं काटता, मतलब 6 महीना अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, कितना 1082 रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा, इससे 735 रुपए कितना बचेगा, 735 रुपए ही तो बचा भैया, 1735 रुपए जब बिकेगा, 1082 रुपए उसकी लागत है, तो 735 रुपए ही तो उसको बेनिफिट होगा एक कुंटल के लिए। चना क्या है 22-23 में चना का जो प्राइस है कितना है 5230 रुपए, 5230 रुपए इसका क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और 23-24 में कितने 23-24 में बिकेगा 5335 रुपए का, मतलब कि एक साल में 105 रुपए की पर कुंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। लागत कितनी है 3206 रुपए लागत है, जिसमें कि उसको मिलेगा कितना एक कुंटल में 5335 रुपए। मसूर है लेंटिल मसूर 5500 रुपए, कितना था 5500 रुपए 22-23 में, कितना था 5500 रुपए था, और 6000 रुपए 23-24 में कितना रहेगा 6000 रुपए रहेगा, और 500 रुपए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर में हुई है। क्वेश्चन बनेगा कि किस रबी की क्रॉप में 22-23 हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की गई है, तो किसमें है मसूर में कितना 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लागत कितना है 3239 रुपए। सरसों कितना है 22-23 में, सरसों 22-23 में था 5050 रुपए, 22-23 में जो सरसों का मूल्य था कितना था 5050 रुपए, जो कि 23-24 में होगा एक साल बाद मूल 5450 रुपए, और कितना होगा कितने की बढ़ोतरी हुई 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई, और 2670 रुपए इसकी लागत, 2670 रुपए इसकी लागत है। सूरजमुखी सनफ्लावर 5441 रुपए, 22-23 में इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सूरजमुखी का 5441 रुपए, इसकी 23-24 की लागत है 5650 रुपए, 209 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और लागत इसकी कितनी है 2750 रुपए। तो ये है जो 22-23 या 23-24 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तैयार किया गया उसके लिए केंद्र सरकार ने जारी किया है ये डाटा, और मैं तो चाहता हूं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एक किसान के प्रोडक्ट के लिए, चाहे किसान फूलगोभी उगाए, चाहे
मटर उगाए, कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करता है किसान, उसके लिए निर्धारण मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। किसी भी प्रोडक्ट, किसान के प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। परंतु कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही, जैसे ये मार्कर ही किसी कंपनी ने बनाया होगा, उस कंपनी अपने प्रोडक्ट का मूल लिखा रहता, मैक्सिमम इसमें लिखा होगा, मैक्सिमम प्राइस लिखा होगा, किसान के लिए मिनिमम है और कोई कंपनी बनाती उसके लिए मैक्सिमम। भैया ये दोहरा रवैया क्यों? ये दोहरा रवैया क्यों भाई? तो कोई प्रोडक्ट आप देखिएगा कि कोई दवा भी लीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस नहीं लिखा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मतलब वो अपने मूल्य का निर्धारण किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इतना डाल दिया, 500 रुपए में 10 गोली 10 टैबलेट लिख देंगे, बस इतने से नीचे दवा नहीं बिकेगी, इतने से नीचे दवा नहीं बिकेगी। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस तरह एक फैक्ट्री के मालिक अपने मूल का निर्धारण करता है, उसी प्रकार अगर किसानों को अपने मूल का निर्धारण करना पड़े तो कोई भी आदमी किसान के प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएगा। जो अच्छे खासे लोग है ना, रईस बने घूम रहे, पैसा जेब में डाले हुए, 5 लाख 10 लाख रुपए गर्मी सर्दी किसान को दिखाए रहते हैं। किसान की क्या आज की डेट में किसान की क्या वैल्यू है बताइए? किसान आदमी 24 घंटे में रात में पानी लगाएगा, दिन में पानी लगाएगा, मिट्टी सना रहेगा, लोग उसको अपने बराबर बैठाना नहीं पसंद करते। पसीने से लथपथ किसान के शरीर से बदबू तो आएगी ना, उसको लोग अपने बराबर बैठाना नहीं पसंद करते, वो अन्नदाता है। फिर भी किसान की सबसे ज्यादा अगर हालत खराब है तो भारत देश में खराब है भाई, ऐसा कहा है भाई? अगर हमको एक कृषि प्रधान देश है, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, अगर हमको उसको तरक्की पे लाना है तो हमको भाई साहब उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना। बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, हजारों स्कीम चल रही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, पर कोई भी ग्राउंड लेवल पर उसका वास्तविकरण नहीं हो पाता। कोई भी ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और है। वहाँ भाई साहब 200 करोड़ रुपए बजट पेश हुआ किसान के लिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 200 करोड़ बजट पेश हुआ, नीचे तक सिर्फ 1% या 2% 200 करोड़ का 1 या 2% किसानों तक पहुंचेगा, बाकी सब ठेकेदार ले जाएंगे, या तो जो कर्मचारी है कर्मचारी सही से उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, या वो तकनीक है किसानों तक नहीं पहुंच पाती, या जो समृद्ध किसान है जिनके पास पैसे वाले किसान है, तकनीक आती है 50% वाली, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जो गरीब किसान है उसके तक तो कोई बात पहुंच ही नहीं पाती ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार को इस पे और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी प्रधानता के लिए आपको नए कदम उठाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस टाइम थोड़ा अस्वस्थ चल रहा हूँ इसलिए वीडियोज नहीं आ पा रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है, नमस्कार।